एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान बढ़ाने की वजह से अब लोग बीएसएनएल की ओर रुख करने लगे हैं। इतना ही नहीं, लोग एयरटेल और जियो नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड चलाया जा रहा है। वहीं इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील भी है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मौजूदा समय की बात करें तो अभी 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अगर बीएसएनएल मजबूत हो गया तो ये जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ा सकता है। टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे 1,00,000 करने का लक्ष्य है। बता दें कि जियो ने पिछले महीने जून में अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिसके तुरंत बाद एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। जहां जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम 3 जुलाई से लागू हो गए हैं, तो वहीं वीआई के बढ़े हुए दाम 4 जुलाई से लागू हुए हैं। प्राइस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जियो ने की है। कंपनी एक बार में ही प्राइस में सीधे 12-25% तक का इजाफा कर दिया है, तो वहीं एयरटेल ने दामों में 11-21% तक इजाफा किया है और वीआई ने 10-21% तक इजाफा कर दिया है। सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों का जियो को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा है, इसी वजह से लोग अब बीएसएनएल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं।